हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, कोरोना वायरस के कारण बहुत बड़ी भर्ती रक्षा मंत्रालय की ओर से निकल के आ रही है। जी हां फ्रेंड्स, 800 प्लस पद की जो है भर्ती रक्षा मंत्रालय की ओर से निकाली गई है। सो फ्रेंड्स, ये फॉर्म कब फिल होगा, कौन कौन इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, सारा डिटेल्स मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा या ऑफलाइन, सारा कुछ इसमें मैं बताने वाली हूँ। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, 10वीं या 12वीं दोनों इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। महिला पुरुष दोनों के लिए ये फॉर्म आया है गाइस। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको फी कुछ भी नहीं लगेगा, जीरो फी लगेगा। तो मैं सारा डिटेल्स इसमें बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से जो है फॉर्म फिल कर सकते हो। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके का वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। फ्रेंड्स, यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हो। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना ऑल जॉब्स फॉर यू। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से डायरेक्ट इस पेज पे आ सकते हो। सो आप देख सकते हो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन आया, यहाँ पे क्लिक कर लेना। यहाँ क्लिक करते ही जो है हमारा पेज ओपन हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पर जो है मेरा पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको दिखेगा व्हाट्स न्यू, आप देख सकते हो यहाँ पर व्हाट्स न्यू का ऑप्शन आ रहा है। उसके नीचे आपको दिख रहा होगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिक्वायरमेंट 2020 10th पास। जी हाँ गाइस, यहाँ पे आपको प्रेस कर लेना है। चलिए यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारा न्यू पेज ओपन हो जाएगा। सो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा न्यू पेज ओपन हो चुका है और मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ। आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिक्वायरमेंट 2020। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पे 7 जून 2020 का लेटेस्ट अपडेट आया है। सो गाइज, मैं सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, बिना एग्ज़ाम के सिलेक्शन होने वाला है, कैसे सिलेक्शन होगा, सारा डिटेल्स मैं बताऊँगी। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी जो आपको अच्छे से समझ आ पाएगी। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पर सारे डिटेल्स दिए गए हैं, अगर आपको यहाँ पर पढ़ना है तो पढ़ सकते। सो फ्रेंड्स, वीडियो लंबा ना हो इसके लिए मैं आपको जो है मेन डिटेल्स जो है वो बता देती हूँ। आप देख सकते हो डिटेल्स ऑफ वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब का जो है दिया गया, गवर्नमेंट जॉब का ये वैकेंसी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हुए आना, आप देख सकते हो टोटल वैकेंसीज 54 पोस्ट आपको मिलेगा यहाँ पे, और लोकेशन जो है ऑल ओवर इंडिया में जो है आपका ये लोकेशन रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, और भी डिटेल्स बता दे रही हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे पोस्ट नेम यहाँ पे कुक, सफाई वाला, गार्ड, अदर, जो ये सब पोस्ट का नेम है। सो फ्रेंड्स, और भी आप देख सकते हो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट का जो है लिंक दिया गया है। यहाँ क्लिक हेयर पे क्लिक करने पर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो और वहाँ से जो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो अप्लाइंग मोड ऑफलाइन है, ऑफलाइन ही आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हो, ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, फॉर्म का जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म फिल कर सकते हो। सो गाइस, आप देख सकते हो स्टार्टिंग डेट यहां पे 6 जून से जो है स्टार्टिंग डेट हो चुका है, लास्ट डेट इसका 26 जून। जी हाँ गाइस, यहां पे देख सकते हो 26 जून लास्ट डेट दिया गया है, तो 26 जून से पहले आपको फॉर्म फिल कर लेना है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पर दिया गया है अप्लीकेशन फ़ी जो है आपको फ्री होने वाला है, आपको कोई भी फ़ी नहीं लगने वाला है, फ्री आपको जो है अप्लीकेशन कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, और यहाँ पे डिटेल्स बता दे रही हूँ। आप देख सकते हो कैटेगरी मेल, फीमेल, जनरल, यहाँ पे जो है किसी के लिए स्पेशल जो है कैटेगरी नहीं दिया गया, स्पेशल पोस्ट यहाँ पे नहीं दिया गया, सबके लिए समान पोस्ट यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स, इसलिए 00 यहाँ पे बताया गया है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पे पोस्ट नेम मैं आपको बता दूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे स्टेनो के लिए 2 पोस्ट है, वार्ड सहायिका के लिए 17 पोस्ट है। यहाँ पे डिटेल्स में बता देना चाहती हूँ, आप देख सकते हो चौकीदार के लिए 1 पोस्ट है, सफाई वाला 5 पोस्ट है। इसी तरीके से जो है सब के लिए अलग अलग पोस्ट है, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उस हिसाब से आपको क्वालिफिकेशन मांगेगा, उस हिसाब से आपका जो है पोस्ट रहेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे टेलर के लिए 2 पोस्ट है, ट्रेडमैन के लिए 3 पोस्ट, माली के लिए 7 पोस्ट, इसी तरीके से सारे पोस्ट जो है यहाँ पे है। आप देख सकते हो कुक के लिए 2 पोस्ट है, पेंटर 1 पोस्ट है, सारे डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, आप पढ़ सकते हो गाइज। सो गाइज, आप देख सकते हो यहाँ पे सैलरी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। आप देख सकते हो स्टेनो के लिए जो है 25,500 सैलरी जो है स्टार्टिंग आपकी हो जाएगी। जी हाँ गाइज, आप देख सकते हो वार्ड सहायिका के लिए 18,000, चौकीदार के लिए 18,000, सफाई वाला 18,000। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो सारे जो है डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हैं, किसका कितना सैलरी रहेगा उस हिसाब से जो है यहाँ पे डिटेल्स दिए गए। आप देख सकते हो ट्रेडमैन के लिए, टेलर के लिए, सफाई वाला, सबके लिए मतलब मिनिमम आपकी जो है 15+ ही सैलरी होने वाली है। सो 15 से कम सैलरी आपकी नहीं होने वाली है गाइज। आप देख सकते हो कुक के लिए 19,900 जो है सैलरी होने वाली है गाइज। उसके बाद मैं आपको बता दूँ एज लिमिट के बारे में भी यहाँ दिया गया है कि कितने एज वाले जो है फॉर्म यहाँ फिल कर सकते।
सकते हो। सो मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ, आप देख सकते हो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम जो है 25 साल से ज़्यादा वाले फॉर्म यहाँ फिल नहीं कर सकते। और 18 साल तो आप लोगों को पता ही होगा कि 18 साल से पहले वाले यहाँ फॉर्म फिल नहीं कर सकते, और 25 साल मैक्सिमम जो है यहाँ एज दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हो एज रिलैक्सेशन, मतलब किनको छूट नहीं मिलने वाली, सो गवर्नमेंट की तरफ से जो SC ST वालों को छूट दी जाती है वो यहाँ पे जो है मिल जाएगी। सो आप देख सकते हो एजुकेशन के बारे में बता दूँ कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। आप देख सकते हो अस्टेनो के लिए जो है 12th पास आपका होना ज़रूरी है। आप यदि 12th पास नहीं हो तो आप अस्टेनो के लिए फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर देख सकते हो वार्ड सहायिका एंड अदर पोस्ट के लिए जो है 10th पास होना ज़रूरी है। 10th पास होना आपको जरूरी है तभी आप यहाँ पे जो है फॉर्म फिल कर सकते हो, और स्टेनो के लिए 12th पास होना चाहिए। सो आप देख सकते हो यहाँ पे, और डिटेल्स में आपको बता दूँ सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो पहले आपका एग्ज़ाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट में नेम आ जाएगा। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो और भी डिटेल्स आपको बता दे रही हूँ। आप देख सकते हो हाउ टू अप्लाई, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो उसके बारे में यहाँ डिटेल्स दिया गया है। आप यदि पढ़ना चाहो तो यहाँ पर पढ़ सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो डेट भी दिया गया है, लास्ट डेट पहले ही बताया था मैंने 26/6/2020 का जो है लास्ट डेट है, उसके पहले पहले आपको फॉर्म भर लेना है। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे में जो है इम्पोर्टेंट लिंक दिया गया है, इस लिंक पे आपको जो है क्लिक करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे अप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दिया गया है, आपको अप्लीकेशन फॉर्म करने का जो ऑफलाइन फॉर्म मिलेगा उसका लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करते ही आपका जो अप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। सो फ्रेंड्स यदि आपको नोटिफिकेशन देखना है तो नोटिफिकेशन पे क्लिक करते ही ये पेज आपका ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे जो है मैंने जो भी डिटेल्स बताई वही सब यहाँ पे डिटेल्स रहते हैं। तो आपको यदि पढ़ना है तो यहाँ से पढ़ सकते हो। आप देख सकते हो किस जो है पोस्ट के लिए कितना सैलरी है, उसके क्वालिफिकेशन सारे डिटेल्स यहाँ पर दिया गया। आप देख सकते हो अस्टेनो के लिए जो है 25,000 मैंने पहले भी बताया था, 25,500। और आप देख सकते हो 12th पास वाले इसमें जो है अप्लाई कर सकते, वही सब यहाँ पर डिटेल्स दिए गए मेल फीमेल दोनों के लिए। सो गाइज आप इसी तरीके से फॉर्म भर सकते हो। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जो है मेरा वीडियो का लिंक सबसे पहले आपके पास जाए और आपको मेरे वीडियो से हेल्प मिल सके। तो चलिए गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने फ्रेंड में शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सबको पता चल सके इस फॉर्म के बारे में। तो लाइक शेयर कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए थैंक यू।